आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है और उस चुनाव को देखते हुए आज एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो नए वोटर हैं उनकी संख्या कितनी हुई है और कितने पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, ये सारी जो जानकारी है वो इलेक्शन कमीशन ने दी है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में करीब 53 लाख नए वोटर्स अब हो गए हैं और कुल मतदाताओं की संख्या उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 2 लाख हो चुकी है। चुनाव कब होगा इसके बारे में अभी इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी साफ नहीं किया है, वो नहीं बताया है कि आखिर चुनावों की तारीख क्या होगी, लेकिन ये अनुमान जरूर बताया कि उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन इसके बीच में उत्तर प्रदेश में कोविड भी लगातार अपने पैर जो है वो पसार रहा है और ये एक चुनौती होगा कि आखिर इस कोविड के बीच में चुनावी जनसभाएं कैसे हों, चुनावी रैलियां कैसे हों और उसके बाद पब्लिक से ये कैसे कहा जाए कि आइए वोट दीजिए, सरकार चुनिए, क्योंकि लगातार जो कोविड का थर्ड वेरिएंट है, जो थर्ड फेज है, वो अपने पैर पसार रहा है, मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आपको और हमें भी थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उठापटक आज दिन भर रहा। अखिलेश यादव ने माफियाओं को लेकर एक ट्वीट किया जिसके बाद थोड़ी सी राजनीति उत्तर प्रदेश में गरमाई, वो भी माफियाओं को लेकर के। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने माफियाओं को लेकर ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया जिस वीडियो में माफिया बाहुबली धनंजय सिंह, जो काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश पुलिस जिनकी तलाश कर रही है और पता चल रहा है कि धनंजय सिंह कहीं मिल नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को, धनंजय सिंह का एक वीडियो जो है वो अखिलेश यादव ने शेयर किया और उस वीडियो में उन्होंने ये लिखा कि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया इन माफियाओं की एक टीम बना लें और उसके बाद आईपीएल की तर्ज पर भारतीय माफिया लीग, भाजपा माफिया लीग शुरू कर दे और क्रिकेट खेले, क्योंकि जिस वीडियो को शेयर किया था उस वीडियो में धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख डीजीपी से ये सवाल भी पूछा गया और सवाल में ये पूछा गया कि भैया ये जो वीडियो शेयर हुआ है धनंजय सिंह का, इस वीडियो पर क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो भी चीज निकल के सामने आएगी वो बताया जाएगा। फिलहाल ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की राजनीति की, लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा वाकया आज पंजाब में घटा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग जगहों पर भी चुनाव होने हैं। पंजाब में आज एक बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जा रहे थे और वो पंजाब के भटिंडा पे आज उनका जो प्लेन था वो लैंड किया था और वहां से फिरोजपुर में एक जनसभा थी, उस जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री को जाना था हेलीकॉप्टर के जरिए, लेकिन मौसम खराब था, विजिबिलिटी कम थी और इस वजह से यह कहा गया कि हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते हैं, सड़क मार्ग से जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका काफिला, उनकी पूरी एसपीजी की टीम सड़क मार्ग से जगदीशपुर के लिए रवाना हो गई जहां पर जनसभा होनी थी, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद प्रधानमंत्री को वापस दिल्ली के लिए लौटना पड़ा। दरअसल रास्ते में एक फ्लाईओवर पर नाराज किसानों ने, जैसा कि जो जानकारी मिली है बताया यही जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से भी, कि नाराज किसान जो कि प्रदर्शनकारी थे उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की और इसके बाद प्रधानमंत्री करीब 15 से 20 मिनट तक एक जगह पर फंसे रह गए फ्लाईओवर पे और उसके बाद उन्हें अपना रास्ता जो है वो बदलना पड़ा और वापस वो एयरपोर्ट की तरफ चले आए, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से ये कहा, जो जानकारी मिली है कि अधिकारियों से ये कहा है कि अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना कि मैं जिंदा वापस आ गया हूं। तो ये पंजाब में हुआ, लेकिन इस घटना के बाद पंजाब के गृह मंत्रालय, पंजाब की पुलिसिंग पर सवाल कई सारे खड़े हो गए और वो सवाल जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने खड़े किए हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी सेंध मारी आज हुई है, जहां गृह मंत्रालय ने, डीजीपी ने कहा था कि रोड मार्ग से अगर आप जाएंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं,
लेकिन उसके बावजूद अगर बीच रास्ते में किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया, प्रदर्शन करने लगे, तो ये सुरक्षा में बड़ी सेंध है। और इसके बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग करी जाएगी और जो मुख्यमंत्री है पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, उनके इस्तीफे की भी मांग बीजेपी वालों ने कर दी। इसको लेकर के राजनीतिक बयान भी आने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बयान दिया और ये कहा कि प्रधानमंत्री जो देश के प्रधान हैं उनकी सुरक्षा के साथ पंजाब में जो भी हुआ है ये गवारा नहीं है, और इसका जवाब जनता पंजाब में मौजूद कांग्रेस की सरकार को आने वाले चुनाव में देगी। उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के सीएम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम इस्तीफा दे दें। हमारे सामने भी प्रदर्शन होता है, जब हम जाते हैं हमारे भी रास्ते रोक लिए जाते हैं, तो हम क्या दूसरे प्रदेश वालों के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे मांग लें? ये कहीं की कोई बात नहीं होती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जहां जहां चुनाव होना है चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन पंजाब की आज इस घटना ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी राजनीतिक जो गर्माहट है उसे बढ़ा दिया है इस गिरते तापमान में, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सवाल खड़े हो गए कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई कि प्रदर्शनकारी उनके काफिलों को रोक दिए और 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री एक जगह पर खड़े रह गए और उन्हें वापस जाना पड़ा। वो अपनी सभा में नहीं पहुंच पाए जहां पर उन्हें रैली करनी थी, जहां पर जनता को तोहफा देना था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया और कांग्रेस ने यह कहा है कि जिस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे, दरअसल उस रैली में जनता ही इकट्ठा नहीं हुई थी और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस हो गए हैं। तो ये सब चल रहा है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये भी हमने आपको बताया। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस पंजाब की घटना के बाद कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, बीजेपी का क्या रुख रहेगा, और पंजाब में जो इतना बड़ा मामला घटा है, सुरक्षा में सेंध लगी है, गृह मंत्रालय पंजाब सरकार को आड़े हाथ लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उसका जवाब कांग्रेस क्या देगी? कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस डिबेट को हम शुरू करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वह अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुराभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखो, रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से निकला। मेरे घर से पहले एकदम 25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी। गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो अनप्लाइड यूथ था या ETD टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई अत्वादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे, ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है। मैं कह रहा हूँ कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो ये? मैं अगर यहाँ से जाता जाता वापस मुड़ सकता हूँ अपने घर को, ये सामने हुआ। अब चंडीगढ़ में UT पुलिस है, हमारी भी यहाँ मेरे साथ भी 10-20 बंदे होते हैं। मैं कहूँ जी मुझे चंडीगढ़ वालों ने अटैक करवा दिया रात, ये कोई बात बनती है? तो ये मुद्दा
मुद्दा अब बड़ा हो गया है और लगातार इस मुद्दे पर जो बयान है राजनीतिक दलों की तरफ से वो भी आने शुरू हो गए। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए, चुनावी सफर को समझने के लिए और आगे की रणनीति को जानने के लिए आज हम इस डिबेट पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ कराते हैं। केसी जैन हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आप प्रदीप सिंह साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा शिल्पी चौधरी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा आरिफ महमूद साहब हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों का मुद्दा इस वजह से मैंने इनको आमंत्रित किया है, और विजय दुबे जी सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, ये आज जो पंजाब में हुआ ये कितना सही आप मानते हैं, किसकी खामी है, किसकी गलती है, ये तो पहली चीज हो गया। दूसरी चीज, आपके पुराने साथी विपक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया और ये कहा है कि आप लोग एक टीम बना लीजिए, भाजपा माफिया लीग खेलिए इस टीम को बनाकर, जिसमें माफियाओं को सेलेक्ट करिए और क्रिकेट मैच खेलिए। ये क्यों कहा उन्होंने, क्या है दिक्कत उनकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कुछ माननीय, देखिए प्रधानमंत्री जी के काफिले में और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया गया, और प्रधानमंत्री चाहे जिस पार्टी का रहा हो लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का है। अगर प्रधानमंत्री के साथ कहीं पे कोई घटना दुर्घटना बाय द वे होती है तो पूरे देश में अस्थिरता फैलने का एक खतरा रहता है। आप देखिए, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई, जिसमें सुश्री सोनिया गांधी जी, सुश्री राजीव गांधी जी की माता जी की जिसमें हत्या हुई, उसके बाद में किस प्रकार से कत्लेआम हुआ, किस प्रकार से अस्थिरता फैली इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में, तो देखिए देश के प्रधानमंत्री के साथ अगर सुरक्षा में कहीं पे भी कोई कमी आती है और उसका रीजन कुछ भी हो तो ये एक जो है बड़ी घटना है, इसको हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। नहीं तो कांग्रेस कह रही है कि किसान नाराज हैं और उन्हीं नाराज किसानों ने ही ये सब किया है, तो ऐसा तो उत्तर प्रदेश में भी होगा। जब आप उत्तर प्रदेश के अब पश्चिम में जाएंगे जहां पर किसान की संख्या ज्यादा है, जहां पर आरएलडी जैसी पार्टी है और जो आपके साथ भी नहीं है, तो वहां पे भी इस तरह की समस्याएं होंगी। देखिए पंजाब की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। पंजाब के डीजीपी से वार्ता करने के बाद में, चूंकि वहां पे मौसम खराब था और माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस कार्यक्रम में जाना था वो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था और शहीदों के नाम एक कार्यक्रम था वहां पर, और भगत सिंह जी के कई सारे जो कार्यक्रम है उसमें जाना था और कई सारे चीजें थी, तो ऐसे कार्यक्रम में भी अगर कांग्रेस उसमें बाधा पैदा कर रही है तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की वास्तव में मानसिकता क्या है। दूसरी बात यह कि अगर कांग्रेस उसको डिनाई करती है, जी नितिन जी मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात, अगर कांग्रेस को डिनाई करती है तो देखिए जिन लोगों के हाथ में सुरक्षा व्यवस्था है वो कह दे सब कुछ अपने आप हो गया, तब तो इस तरीके से लोअर दर्जे से लेकर के उच्च दर्जे तक हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचेगा। देश का जो सेना प्रमुख हो वो चाहे जल सेना का हो, थल सेना का हो, हमारी हवाई सेना का हो, वो कहे भाई हो गया हमला, हम क्या करें, हम अकेले क्या कर सकते थे, तो ये तो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए है। लेकिन इस तरीके से जिम्मेदारी से, क्योंकि देखिए कांग्रेस की वहां पर सरकार है, कांग्रेस के वहां पर मुख्यमंत्री हैं और वहां के डीजीपी ने भरोसा दिलाया, सरकार ने भरोसा दिलाया कि रास्ता साफ है, आप हवाई यात्रा से अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप जो है बाई कार वहां से वहां तक जा सकते हैं, और इसलिए उस रूट को चुना गया क्योंकि जल्दी पहुंच रहा था फिर लेट हो रहा था। लेकिन वहां पे जिस तरीके से पुल पे भीड़ को भेजा गया, सुनियोजित तरीके से भेजा गया, षड्यंत्र के तहत भेजा गया, और देखिए अभी इसके पहले वही की कांग्रेस के खिलाफ भी किसानों ने आंदोलन किया तो प्रधानमंत्री के आवास तक, मुख्यमंत्री के आवास तक तो वहां नहीं पहुंच गए, मुख्यमंत्री के घर पे तो हमला नहीं कर दिया। तो ये कांग्रेस की सुनियोजित रणनीति है कि जिससे कि एक प्रधानमंत्री के प्रति जनता के बीच में जो एक छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट पे पहुंच करके जो बात कही वो बात बहुत गंभीरता पूर्वक लेने वाली है। देश का एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंच गया, अपने मुख्यमंत्री को जाकर के बता देना वहां के सुरक्षा कर्मियों से और वहां के जो हेलीपैड थे, वहां पे जो लोग थे, कर्मचारी थे, उनसे कहा
तो एक बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब ये प्रधानमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं अंदेशा हुआ। अच्छा, ठीक है, यहाँ ठीक पर है, कुछ भी हो सकता था। ठीक है जैन साहब, एक सवाल ये भी था, मैंने उत्तर प्रदेश को लेकर के भी पूछा कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है आज सुबेरे, और धनंजय सिंह का वीडियो उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक लीग खिलवाए और उस लीग का नाम रखे भाजपा माफिया लीग, ऐसा ट्वीट उन्होंने क्यों किया? देखिए नितिन जी, जो लोग इस तरीके की लीग खेलते रहे हैं, और आजम खान जैसे लोग जो कि जेल में हैं, उनके चेहरे पे जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उनका चेहरा हर एक होर्डिंग बैनर पोस्टर में है, वो उनके खिलाफ चार्जशीट भी आ गई है, वो जेल में बंद है, माँ बेटा और पिता तीनों की तीनों जेल में बंद रहे, तो जो एक तरीके से अपराधी है, कानून अपराधी है, जेल में बंद है, आज तक उसकी जमानत तक पूरी पार्टी मिलकर के नहीं करा पाई, और लाखों करोड़ों रुपया इनके पार्टी के तमाम सारे लीडर्स के घर में बरामद हो रहा है, इतना पैसा लगाने के बाद अगर ये जमानत नहीं करा पाए इसका मतलब वो दोषी है। अच्छा। वो चाहे गायत्री प्रजापति को ले लीजिए, चाहे आजम खान को ले लीजिए, चाहे इनकी सरकार में तमाम सारे बड़े अधिकारी रहे, रिवर फ्रंट घोटाले में तमाम सारे बड़े अधिकारी रहे, वो जेल में है, तो कौन कौन सी लीग खिला रहा है, कौन कौन सी लीग खेल चुका है, तो जो उनकी मानसिकता है उसी तरीके के उनकी बयानबाजी आएगी। अभी तो ये भी कह रहे थे कि भगवान के सपने में आए और कहा कि सरकार हमारी बनेगी, तो भगवान कृष्ण कभी सपने में आके ये नहीं कहा कि आप अपने मंत्रियों की भय गुड़वा रहे हैं, और जो जिस तरीके से प्रदेश में अस्थिरता है, जिस तरीके से प्रदेश में रेप हत्याएं लूट डकैती बलात्कार हो रहे हैं, इनको रोकिए, इसके लिए क्या भगवान कृष्ण ने आके संदेश नहीं दिया? ठीक, मैं आता हूँ नेक्स्ट राउंड में आता हूँ। शिल्पी चौधरी हमारे साथ सपा से जुड़ी हुई है। शिल्पी जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में रोक दिया गया, जनसभा नहीं कर पाए वो, क्या कारण आपको लगता है कि क्यों रोका गया? आप हंस रही हैं अभी, इसी सवाल पे जवाब भी नहीं दिया पहले आपने। अरे मुझे हंसी तो इसलिए आ रही है नितिन जी कि हमारे माननीय 56 इंची प्रधानमंत्री जी अधिकारियों से ये कह के कह रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना कि मेरी जान बच गई। कहाँ है भाई वो 56 इंच का सीना, कहाँ है वो आंखें जो लाल लाल करके वो चीन को डराया करते थे। तो ऐसे ही मूर्खतापूर्ण बातों पर हंसा ही जा सकता है। अच्छा, और जो आज पंजाब में हुआ वो साफ साफ बात है कि किसानों का रोष है। आप प्रधानमंत्री देश के हैं, देश से ऊपर नहीं है, देश के नागरिकों से ऊपर नहीं है। आपने उन किसानों को खालिस्तानी कहलवाया, अलगाववादी कहलाया, आतंकवादी कहलाया, क्या वो जनता आपसे जवाब नहीं लेगी? जनता जवाब ले रही है, और जनता अब हर जगह जवाब लेगी इनसे। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके विधायक सांसद खदेड़े गए हैं। किस तरीके की बातें ये भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं वो भी बड़ा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, हाँ, जी बोलिए। हाँ जी, ये रिपीट कर रही थी। तो इस तरीके की बातें, कानून अराजकता और लाखों करोड़ों रुपए हमारे नेता के घर से निकले, या पीयूष जैन के तार कहाँ से निकले हैं? गुजरात से जुड़े हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा स्पॉन्सर था वो सारी दुनिया देख रही है। पंपी जैन को जिन्होंने इन्होंने सुनियोजित षड्यंत्र के तौर पे टारगेट किया, अभी तक ये पूरा आंकड़ा नहीं बता पाए कि पंपी जैन के यहाँ से कितना करोड़ रुपया ये लोग निकाल पाए हैं। और अगर भगवान आके आपको मंदिर में सपने में कहते हैं कि मेरे मंदिर को आप बनाइए, तो भगवान किसी के सपने में आके ये भी कह सकते हैं कि सरकार हमारी बन रही है, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये अभी मैंने जैन साहब से पूछा धनंजय सिंह के बारे में, जिसको लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया, तो ये आजम खान पे चले गए और भी कहाँ कहाँ चले गए? ये कहीं भी जाएंगे, इन लोगों के पास अब जाने के लिए बचा है मठ, ये वहीं जाएंगे और ये वहां जाकर घंटा बजाएंगे, तो उसके अलावा ये कहीं भी जा सकते हैं, ये कोई भी मुद्दा लाके कहीं की उल जुलूल बातें कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो माफियाओं से मुक्त हो गया, तो धनंजय सिंह आज क्रिकेट खेलते हुए दिख गए। उत्तर प्रदेश में खुशी दुबे नाम की एक लड़की को 1.5 साल से अधिक समय से जेल में निरुद्ध कर रखा गया है, वो अभी तक छूटी नहीं है। माफियाओं पर ये काम कर रहे हैं, 7,000 इन्होंने एनकाउंटर करा दिए जिसमें से मात्र 68 जो है वो अपराधी थे, बाकी 6,500 जो एनकाउंटर हुए हैं वो आम जन लोगों के हुए हैं। और माफिया इनके कैसे घूम रहे हैं तो सारी दुनिया देख रही है। इनकी तो पुलिस ही माफिया के रोल में आ गई है, अब तो वो जिसको चाहती है उसको ठोक देती है। ठीक है, तो ये बातें इधर उधर की तो करेंगे ही, क्योंकि करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, बताने के लिए कुछ नहीं है। और जो ये कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो अभी तो फजीहत मुख्यमंत्री की होनी बाकी है,
जो कानपुर की रैली में मुख्यमंत्री बोल रहे थे और महिलाएं उठ के जा रही थी, कमोबेश वही हाल आज प्रधानमंत्री की पंजाब की रैली का हुआ, जिसके चलते प्रधानमंत्री जी दुम दबाकर वापस भागे हैं और बाद में सिर्फ सिंपैथी वोट बटोरने के लिए उन्होंने इतना बड़ा बयान किया, तो मुझे हंसी तो आएगी ही। 56 इंची हमारे प्रधानमंत्री जी अगर इस तरीके के बयान देंगे। ठीक है मैडम, मैं आता हूँ फिर। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से। प्रदीप जी, आज आप लोगों ने ऐसा क्यों किया कि प्रधानमंत्री जी पंजाब जा रहे थे और आप लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया? क्या मिल गया इसको करके आपको? नितिन, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने ही किसी प्रदेश में जनता को संबोधित करने जा रहे थे और आप कोई कोई आप जन सेवक हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और अगर जनता को ये लगता है कि आपने आपकी नीतियों के कारण उसे नुकसान हुआ है, अपनी कोई बात आपसे कहना चाहता है, हमें एक बार कहते हैं कि किसान अगर आ गए तो आपको खुशी सामने आना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था, अगर उनकी कोई समस्या थी तो आपको आश्वासन देना चाहिए था, हम इस समस्या का निदान करेंगे। ये कोई आतंकवादी नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई या श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी, इसकी तुलना भारत के किसानों से कर रहे थे। हम बार बार कहते हैं भारत के किसान जब दिल्ली में धरना अपनी मांगों को लेकर अपने आपके काले कानून के खिलाफ धरने पर बैठे थे, तो आपके तमाम नेता अलग अलग मंचों से कभी उन्हें आतंकवादी कहते थे, कभी उन्हें देशद्रोही कहते थे, कभी उन्हें किस किन विभूतियों से की उपमा देते थे। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये भारत के किसान हैं, और आप जब सुरक्षा में चूक की बात करते हो तो उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां पर जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में प्रधानमंत्री जी अपनी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का डंका पीटते हुए उधर से निकल रहे थे, तो रीता यादव जो उत्तर प्रदेश की नागरिक है उसने आके सुरक्षा में सेंध लगाई और काला झंडा दिखाया। तो उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी से कुछ बताया कि उनकी सुरक्षा में सेन कैसे लग गई? हाँ, एक काम जरूर किया कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उसको 2 दिन बाद गोली मार दी। कानून व्यवस्था, कानून ने अपना काम नहीं किया, 2 दिन बाद उस रीता यादव नामक महिला को आपने गोली मार दी। तो अगर इस तरह का आप इंसाफ चाहते हैं, कोई व्यक्ति अपनी आवाज लेकर आपसे अपनी बात कहना चाहता है और हमें कहते हैं कि एक बार आपके पास तक पहुंच जाता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ हम उसे आतंकवादी घोषित कर देंगे या अपने गुंडों द्वारा उसकी हत्या करा देंगे? एक बार आप जन सेवक है, आप खुद कहते हैं, आपने खुद कहा था कि हम प्रधान सेवक हैं, और प्रधान सेवक से अगर देश का किसान, देश का अन्नदाता मिलकर अपनी बात कहना चाहता था तो आपको बुरा लग गया। और महोदय नहीं तो ये कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, किसानों को इतना प्रताड़ित किया है कि उस रैली में लोग नहीं आए, आपको लगा कि आपकी रैली फ्लॉप हो गई, आप वापस चले गए, आरोप आप कुछ भी मरे, लेकिन हम कहते हैं कि देश का अन्नदाता अगर आपसे कुछ मांगने गया था तो आपको मिलकर बात करनी चाहिए थी। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता ये कहे की तुलना आतंकवादियों से करें। ठीक है प्रदीप जी, ये बीजेपी वाले क्यों कह रहे हैं कि ये सब प्री प्लान था और पंजाब सरकार ये जानती थी कि ये करवाना है, उन्होंने इन लोगों को बुलाया था? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये मानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में जो महिला सुरक्षा में से लगाई, काला झंडा दिखाया, वो योगी जी का प्रीतान था, वो मोदी जी से खुश नहीं थे इसलिए उन्होंने काला झंडा दिखवाया? बिल्कुल, क्या ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? ठीक है, मैं पूछूंगा। और अगर नहीं तो उसकी हत्या किसने कराई, इसके पीछे कौन से, उसको गोली किसने मरवाई, इसके पीछे कौन लोग हैं? ठीक है, मैं आता हूँ सर आपके पास वापस। नितिन जी मैं आ रहा हूँ। जैन साहब सबका ले लीजिए, जैन साहब सबका नोट कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ आप ही के पास। अभी और भी बच्चे हैं भाई। आरिफ महमूद हमारे साथ हैं आरएलडी से। आरिफ भाई, आज पंजाब में किसानों ने प्रधानमंत्री जी को रोक लिया, हालांकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने रोका था, कांग्रेस का सुनियोजित था, प्री प्लान था सब कुछ, आप क्या मानते हैं? और दूसरी चीज, पश्चिम में आरएलडी को देखते हुए लग रहा है कि वहां पर भी जिस तरह से किसान नाराज हैं और आरएलडी का सपोर्ट उन्हें मिला हुआ है, तो क्या पश्चिम में भी कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा क्या? देखिए नितिन जी, मैं बहुत अस्पष्ट रूप से मैं आज आपके इस चैनल पर मैं कहना चाहता हूं कि आज पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अपनी यात्रा में कुछ सड़कों का इस्तेमाल किया है,
आज इनको ये एहसास हुआ होगा कि हमने इस देश की जनता के साथ क्या किया है और देश की जनता हमको कहाँ रोक रोक करके हमसे कुछ हिसाब मांग रही है या हमसे कोई अपना वो मांग रही है या अन्नदाता बैठे हुए थे अपना अधिकार मांग रही है अपना हक मांग रही है। आज मैं ये जिम्मेदारी से इस चैनल पर मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं उनको सड़क यात्रा करनी चाहिए, उनको अपनी जनता के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी जनता कहाँ है, किस हाल में है, कैसे परेशान है, उनके बीच में उनको जाना चाहिए। आज वो बीच में चले गए, आज वो सड़क यात्रा थोड़ी सी उन्होंने कर ली और आगे जा करके जब किसान उनको वहाँ पर आगे पता चला कि बैठे हुए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट पर जा करके कह रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मेरी जान बच गई, मैं वापस चला गया। ये पंजाब में हुआ, कोई जरूरी थोड़ी ना उत्तर प्रदेश। सुनिए मेरी, नितिन भाई मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए केसी जैन जी ने दो तीन चार चीजें कही है तो मैं केसी जैन जी की भी दो चार बातों का मैं जवाब दे दूं। एक तो इन्होंने अपराध की बात किया कि आजम खान साहब देखिए जेल में है, उन्होंने ये अपराध किया, वो अपराध किया, फला अपराध किया, ढेका दुनिया भर का अपराध इन्होंने दूसरी पार्टियों के लोगों का गिना दिया। चलिए ठीक है, आर्थिक अपराध आप कह रहे हैं मैं वो मान रहा हूँ। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 12 13 14 संगीन धाराओं में अपने जो मुकदमे थे उनको इन्होंने प्रधान वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद पर बैठते ही उन्होंने वापस ले लिया। अरे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अगर आपने गलत नहीं किया था तो आपको ट्रायल पर जाना चाहिए था, आपको सारे प्रदेश को सत्यता सामने आनी चाहिए थी। यही हाल केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी किया, जब पिछली बार चुनाव हो रहा था तो उनके क्षेत्र में इस कदर उनका विरोध चल रहा था, लोग ये कह रहे थे कि केशव नहीं कसाई है, लाखों गाय कटाई है, न जाने कितने मुकदमे आपराधिक उनके ऊपर थे, 302 के भी थे, अपहरण के भी थे, सारे मुकदमे थे, उसको उन्होंने क्यों वापस ले लिया। तो अपने तो मुकदमे आप वापस ले रहे हो और दूसरों को आप जेल भेज रहे हो, अब आप कह रहे हो कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, हमारे ऊपर ना कोई मुकदमा है ना मैंने कोई अपराध कर रखा है। जेल भेज रहे धनंजय सिंह को, कहां भेज रहे हैं जेल? अरे वो इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि इनकी पार्टी में चले आए वो वाशिंग मशीन डाल दिया, इधर धुल गए, साफ सुथरे हो गए, वो भी धुले हैं क्या? नहीं वो ये तो मानते ही है ना कि धुल गए हैं। अच्छा, ये तो जितने भी आपराधिक छवि के लोग हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये खुद ही सब आपराधिक छवि के लोग हैं, ये खुद ही वाशिंग मशीन में घुस करके निकल आए और कह रहे हैं मैं बीजेपी में, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। तो इनकी बातों में आप ना जाइए, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है साहब, ये हमेशा दूसरों को वरगला करके। किसान वाला क्या मामला, अगर ये क्या यूपी में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं था, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके कौन से विधायक आप बता दीजिए, कौन से मंत्री इनके जो अपने क्षेत्र में गए हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां पर किसानों ने इनका विरोध न किया हो, किसानों ने इनको दौड़ाया ना हो, काला झंडा लेकर के इनको वहां पर वापस ना किया हो। आप पूछिए इनसे, केसी जैन जी बताएंगे, ये छुपाए ना कोई बात, जो सत्ता वो सामने ला करके रखें। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि वो है, आज जैन चौधरी जी उनके पोते हैं, हर वासियों के नौजवानों में जैन जी बसते हैं। और मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री इस देश के जो बड़े ताकतवर थे, जो सिकंदर बनकर के निकले थे पूरे देश को फतेह करने के लिए, हम तो ये सोच रहे थे कि ये जाएंगे चाइना में, जहां पर चाइना ने हमारी जमीन पर अपना गांव बसा लिया है, वहां पर ये भारत का झंडा गाड़ने जाएंगे, चाइना को पीछे भेजेंगे। मगर आज इतना बड़ा गृह मंत्री ताकतवर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर के सिमट करके बैठ गया, प्रभारी वहां पर बनकर के बैठ गए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जमीन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से खिसक रही है, ये झूठ बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी कितनी बुरी गत होने जा रही है। और ये पिछली बार 119 सीट लेकर के आए थे, अब कीमत उत्तर प्रदेश में सिमटने जा रहे हैं, ये इनके झूठ के फरेब और ये सारी चीजों को लेकर। ठीक है, मैं आता हूँ। विजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट में। विजय जी, आज जिस तरह से पंजाब में जो चीजें देखने को मिली है, बताया जा रहा है कि किसान नाराज है, तो किसान तो पूरे देश में नाराज है, पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो क्या इस तरह का कुछ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें धनंजय सिंह का वीडियो है और उसमें धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बीजेपी माफिया लीग खेलवानी चाहिए, भाजपा माफिया लीग, ये कितनी सही बात है? देखिए नितिन जी, ऐसा है कि जहां तक बात यह है कि जो पंजाब में दिखा क्या वो उत्तर प्रदेश में दिखेगा, मतलब आपका सवाल जो है वो सीधा सीधा जो है दोनों को लिंक कर रहा है। तो एक एक, एक बड़ी बात जो मैं शायद समझता हूं कि देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री होता है और वो देश का राष्ट्रपति होता है। और जब हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीट की बात कर रहा हूं, उस पद की गरिमा की बात कर रहा हूं,
तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम इस देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं उस अब इसको अगर हम राजनीतिक नजरिए से और पार्टी के नजरिए से देखूंगा तो जैसा भी हमारे साथी प्रवक्ताओं ने मित्रों ने कहा है वो अपनी पार्टी के एंगल से ये बात कह सकते हैं, लेकिन मैं पार्टी के एंगल से ये बात नहीं कह सकता हूं। मुझे एक प्रधानमंत्री की, इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का सवाल है। तो अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की गरिमा का भी ख्याल नहीं रख सकते हैं और उनको भी इस लवरेज में लाएं, या मैं कहूं कि चाहे किसान नाराज हो या कोई भी नाराज हो, तो लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है। मैं एक प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं, और वो चाहे इस देश के किसी राज्य में जाए, किसी पार्टी के शासित प्रदेश में जाए, उसकी प्रधानमंत्री की गरिमा को हमें संभालना चाहिए, हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमारा वहां देश की इज्जत स्टेक पे है। ठीक है, मैं इसको अगर भाजपा के नजरिए से कोई भी बोले, चाहे वो रालोद के नजरिए से कोई बोले, या जी जी प्रदीप जी निश्चित तौर पर हंसे, मुझे उनकी हंसी को थोड़ा सा एक कमेंट के रूप में लेना चाहिए। हंसना हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन हंसना उस व्यक्ति चाहिए जो हंसने लायक चीज हो। लेकिन जहां अगर हम सच चीज को पॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं, केवल राजनीति देखते हैं, तो वहां मैं इस देश की गरिमा और प्रधानमंत्री के पद को कहां रखूं, मुझे ये भी बताना होगा किसी व्यक्ति को। मैं आप सबके पास आऊंगा। एक सबसे सबसे बड़ा संकट ये है कि हम हर चीज को अगर केवल देखिए, मैं किसानों की नाराजगी आज से नहीं है, किसानों की नाराजगी एक साल भर से है, और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को लगा कि ये रास्ता हमारा रुक जाएगा, हमें 5 राज्यों के चुनावों में किसानों की समस्याओं के कारण से नाराजगी झेलनी पड़ेगी, तो पार्टी ने एक स्टेप पीछे लिया और उसके बाद उन कानूनों को वापस किया। लेकिन वो किस स्थिति में किया, जबकि बिल्कुल लास्ट स्टेज थी। और मैं कहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री को ये बात शायद पहले स्पष्ट हो जाती तो ये समस्या आज जो पंजाब में उन्हें झेलनी पड़ रही है, नाराजगी झेलनी पड़ रही है किसानों की, और जो कि सारा आंदोलन वो पंजाब से चला था, पंजाब के लोगों ने आगे बढ़ाया था, और इस किसान आंदोलन को आगे ले जाने में पंजाब के किसानों, उन यूनियनों, हरियाणा में जो स्थितियां बनी लगातार सरकार और मुख्यमंत्री के साथ में, तो ये किसानों की नाराजगी है। तो क्या इसका असर कुछ उत्तर प्रदेश में भी दिखने को मिलेगा क्या? अरे भाई कमाल की बात कर रहे हैं आप। हमारा जो लीडर है किसान आंदोलन का, पूरा जो दारोमदार टिका रहा, वो राकेश टिकैत हैं। हाँ। वो अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरठ से आते हैं। हाँ। और मैं लगातार उनकी उनकी भाषा देख रहा हूं कि उनके उनके पास अभी भी किसानों की प्राथमिकताएं पहले हैं, दूसरी बाद में। तो मैं मान के चलता हूं कि जो किसान उत्तर प्रदेश के हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के खास तौर पे, उन पे नाराजगी है, और इसका कहीं ना कहीं कई और भी खबरें लगातार जो रिलेट कर रही हैं, उसमें यहां तक कहा जा रहा है कि चुनावों की शुरुआत जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम से हुआ करती थी, शायद वो पूर्वांचल से हो रही। फिर भी लेकिन मैं उसको अभी वो अभी अभी उस केवल ऐसी व्यक्त की जा रही बातें, ये अभी चूंकि कार्यक्रम नहीं आया है इसलिए इसको केवल उदय आलोक में देखना चाहिए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक अलग कहानी। ठीक ठीक, कुछ लोग हैं जो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब लेते फिर जैन साहब के पास चलेंगे। नितिन जी, शिल्पी मैं पहले ले लो ना, पहले शिल्पी जी का ले लेते, शिल्पी जी का ले लेते हैं, आरिफ भाई फिर आते हैं। शिल्पी जी, मैं पत्रकार महोदय बहुत संतुलित बात कह गए, लेकिन उनकी एक बात का मैं उनसे एक सवाल का जवाब चाहती हूँ कि जिन प्रधानमंत्री महोदय की गरिमा की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने खुद अपने पद की गरिमा को बचाए हुए रखा? इन 7 सालों में न जाने कितनी बार उन्होंने मंच से ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जो कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने तो आज तक नहीं सुनी, न इंदिरा जी के मुंह से सुनी, न राजीव गांधी के मुंह से सुनी, न नरसिम्हा राव के मुंह से सुनी, और तो और अगर मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी के जो एक बड़े नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो इतनी संतुलित बातें करते थे, उस मर्यादा को कभी क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने याद रखा है जो आज वो जनता से उम्मीद करते हैं? आपके पास आता हूँ। प्रदीप भाई क्या कह रहे थे? हम ये कहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो देश के अन्नदाता को अपने प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात कहने की इजाजत नहीं देता? प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं, पूरे देश से घूम घूम के कहते हैं कि आप प्रधान सेवक हैं, और आज
एक देश का मतदाता अगर कहीं किसी सड़क पर आपसे मिलना चाहता था तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है जो रोक रहा था? ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोटोकॉल टूट रहा था। ठीक है प्रदीप, आप ये बताइए। ठीक, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में जब प्रधानमंत्री जी को काला झंडा दिखाया गया। ठीक है प्रदीप भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आ गई आपकी बात, आपकी बात आ गई, आपकी बात। मुख्यमंत्री केजरीवाल पर लगातार थप्पड़ों की बारिश हुई तो उस समय भी क्या केवल टिप्पणी ऐसी आई थी कि प्रोटोकॉल टूटा है? सवाल है। ठीक है प्रदीप भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। सवाल ले रहा था मैं, खाली मैं खाली सवाल ले रहा था। सिंह जी की बात आती है तो हम बार बार कहते हैं कि इस प्रदेश में जैन साहब को सुनते हैं प्रदीप भाई जी, उनके बगल खड़े नजर आते हैं। ठीक है हाँ जैन साहब, आप बोलिए। नितिन जी देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से इस घटनाक्रम को सही सिद्ध करने की कोशिश में लगा हुआ है, इससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ये घटनाकांड हुई, क्या हम ये माने जो भी सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त था इस महिला ने काला झंडा दिखाया, जो किसान और ये माने कि जिसको गोली चलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के थे, हो गया, तीनों बिल वापस हो गए, उसके बाद में किसानों ने स्वयं कहा हम संतुष्ट हैं, राकेश टिकैत जी ने स्वयं कहा हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी ने आगे आकर के कम से कम इन तीनों किसान बिलों को वापस लिया, तो उसके बाद से सारी बात समाप्त हो जाती है। तो मतलब ये आज जो आए थे एक किसान नहीं थे, कहीं पे कोई किसान नहीं था, ये दिल्ली में बैठे हुए जैन साहब, जैन साहब राकेश टिकैत जी 26 जनवरी को फिर आ रहे हैं ट्रैक्टर लेकर के, आप जानिए कि वो क्यों दोबारा आ रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों के साथ भी छल किया है। एक एक करके बोलिए प्लीज, वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। प्रदीप भाई मैं आऊंगा आपके पास, प्रदीप भाई आऊंगा, जैन साहब को बोलने दीजिए। वो लगातार केवल और केवल समाजवादी पार्टी का बचाव करने में लगे हुए। अच्छा, आरे भाई जो बैठे हैं, कुछ नहीं बताया, केवल और केवल समाजवादी पार्टी का बचाव किया। नहीं, ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल, नहीं जैन साहब ये कह रहे हैं पश्चिम में, शिल्पी जी कह रही थी प्रधानमंत्री जी ने अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, किसान क्यों ध्यान रखे, और आदरणीय पत्रकार महोदय ने जो बात कही उसको भी बहन शिल्पी जी ने खारिज किया और कहा जब प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा नहीं बनाए रखते हैं तो उनकी गरिमा कोई क्यों बनाए रखे। अरे गरिमा तो अखिलेश यादव जी ने अपनी तब तार तार कर दी जब उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमा वापस लेने की एप्लीकेशन दी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगाई। तो जो व्यक्ति आतंकवादियों के मुकदमा लेने के लिए अग्रसर हो उससे ज्यादा नीच और घृणित कार्य क्या कोई हो सकता है? जो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस ले ले, जैन साहब देखिए आप उसके बारे में बताइए कुछ ना, वो कौन सा बहुत अच्छा काम उन्होंने कर दिया, कैसे प्रसाद मौर्य जी का मुकदमा उन्होंने वापस ले लिया, जितने अपराधी थे भारतीय जनता पार्टी में सबका मुकदमा उन्होंने वापस ले लिया। नहीं, आप अपनी बात बता दीजिए, जानकारी सभी आपको जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जानकारी है, बाकी सब बगैर जानकारी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपको जानकारी तो आप छुपा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जानकारी आपको नहीं है, आप हर चीज पर पानी डालना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो जो मैं कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वही सब सही है, अब बाकी सब गलत है। मेरी बात पूरी हो जाए तब ये लोग बोले। मैं हाँ बोलिए 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 बोलिए, यारी भाई सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जैन साहब, फिर जवाब लेते हैं। हाँ बोलिए जैन साहब। देखिए आरिफ भाई जो बात बार बार कह रहे हैं उनकी पीड़ा जायज है, क्योंकि इनको देखिए गठबंधन में इतनी सीटें मिलने वाली हैं, दो सीटें मिलने की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है इनकी। अरे हैसियत उसी पे नहीं जाइए भाई, जैन साहब अब मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, आप अपनी हैसियत देख लीजिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर के, आपकी औकात दिखा दूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो किसान और राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता, औकात दिखाऊंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर के, आइए आप वहाँ पर गलियों में ठीक आप आकर के, आप देखिएगा वहां की जनता आपको किस तरीके, आप औकात की बात कर रहे हैं, अपने गिरेबान में अपनी औकात आप देखिए, झांक करके देखिए कि आपकी क्या हैसियत और क्या औकात उत्तर प्रदेश के अंदर बची हुई है। आप झूठ बोल करके अपनी औकात को आप जनता के ऊपर लाना चाह रहे हैं, आपने किसानों को छला, नौजवानों को छला, बेरोजगारों को छला, आपने सब कहां तलवे चाट रहे, किसके तलवे चाट रहे, आपने धोखेबाजी किया है, कहां तलवे चाट रहे, आपको जनता माफ नहीं करने जा रही है, उत्तर प्रदेश में आपके इस मुख्यमंत्री
योगी जी का पूरा टंडीला उठ करके गोरखपुर के मठ में जाने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। आप दूसरों की हैसियत औकात देखना छोड़ दीजिए, अपनी देखिए। कितनी सीटें मिलेंगी? अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 सीटों का सीमेंट बनाओगे जी, या देखिएगा वो दिन दूर नहीं है। कोरोना का बहाना लेकर के चुनाव टालने का प्रयास किया जा रहा है, सब जनता जान रही है इस समय कि तुम क्या करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव क्यों डालना चाह रहे हैं? चुनाव इसलिए डालना चाह रहे हैं कि अपनी हैसियत जानना है उत्तर प्रदेश में क्या हैसियत है। भाई कोरोना आ गया, कर्मचारियों को बुला करके ये रैलियां कर रहे हैं। आप लखनऊ इलाहाबाद में देखिए, 2.5 लाख इन्होंने सरकारी महिलाओं को बुला करके उनका अपमान किया, उन्होंने खाना नहीं दिया, भूखे प्यासे ये दिया। ये जैन साहब बार बार सीट का है पूछ रहे कि कितनी सीट मिलेगी, कितनी सीट मिलेगी? जितनी हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बड़े हैसियतदार हो तो अपना दल को आप बाहर निकाल दो और अपने सहयोगी दलों को आप बाहर निकालो, अकेले लड़ो, तब मैं जानूंगी आपकी बहुत बड़ी हैसियत है। आप गठबंधन ढूंढ रहे हैं, आप गठबंधन में आप जाना चाह रहे हैं, आपको कोई दल छूने को तैयार नहीं हो रहा है इस समय। आपकी सारी नीतियां गलत है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जनता को सिर्फ ठगा है और ठगा है। ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज, ठीक है। योगी जी और मोदी जी की ठीक है, हो गया प्लीज, तुम्हारी है ठीक है। अरे भाई जैसा आप योगी जी के फोटो लगा करके घूम रहे हो, ये हैसियत तुम्हारी है, आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, कोई किसी की हैसियत नहीं बताएगा भाई, नहीं कोई किसी की हैसियत औकात नहीं बताएगा, नहीं ये सब नहीं, हैसियत औकात नहीं। प्रदीप भाई कुछ कह रहे हैं? जैन साहब आ रहा हूँ ठीक है जैन साहब। नितिन भाई कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, कभी ये हो गया। जैन साहब आ रहा हूँ प्लीज सुन लीजिए, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं की बात करते हैं। जब नौजवान रोजगार मांगने सड़क पर निकलता है लाठियां बांटते हैं और उनकी हैसियत और औकात दिखाने की बात करते हैं, और जब कोरोना काल में कोरोना पीड़ित फ्रंटलाइन वॉरियर जब निकल कर अपनी बात कहते हैं तो उनको उनकी औकात दिखाने की बात करते हैं। यहाँ तक कि जब ये लोग अपनी मांगे उठा रहे होते हैं और पत्रकार साथी अगर उसे दिखाने का प्रयास करते हैं तो उनकी भी हैसियत और औकात भारतीय जनता पार्टी सरकार उनके गुंडे दिखाते हैं। 93 से ज्यादा पत्रकारों पर हमले भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो चुके हैं, उनकी औकात दिखाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी। अरे हैसियत औकात पे थोड़ी ना डिबेट कर रहा था मैं। ये बात इसलिए निकलती है कि प्रदेश के मुखिया ही जब ये कहते हैं कि हम थोक दो की नीति अपनाते हैं, जब प्रदेश के मुखिया ही अपने ऊपर लगे हुए 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे गैंगस्टर सहित वापस लेने की बात करते हो, जिस कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वहाँ पर आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हो, तौर पर अवकाश दिखाने की बात कही जाए। जिस सदन का मुखिया जब सदन में पहली बैठक में कहता हो ये पाउडर जो बरामद हुआ है इससे पूरी विधानसभा कर जाती है। अरे भाई, अरे भाई आपका हो गया भाई, बोलने दीजिए ठीक है, प्लीज हो गया, आप लोग का हो गया प्रदीप भाई हो गया ठीक है। अरे भाई हो गया प्लीज प्रदीप जी ठीक है, प्लीज शांत रहिए, अब हो गया, आप लोग का हो गया, डन हो गया आप लोगों का प्रयोग कर रहा है ठीक है। प्लीज जैन साहब और प्रदीप भाई शांत हो जाइए। जैन साहब एक भले अधिवक्ता है, भले व्यक्ति है, उनके मुंह से औकात और हैसियत जैसी बात ठीक है प्लीज शांत रहिए, हो गया प्रदीप भाई हो गया। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही, क्या कहना चाह रही? नहीं आप देखिए कि अभी एक जैन साहब आ रहा हूँ, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। इतना बड़ा कांड इनका सामने आ रहा है, जो कोरोना की बात चली तो सरकारी जो लकड़ी जो चिताएं जलाने के लिए शमशान ग्रहों पे आई हैं वो उत्तर प्रदेश के राजभवन में यहाँ के लखनऊ के नगर आयुक्त भिजवा रहे हैं। इस पर कुछ बात ले लीजिए जैन साहब से, क्योंकि इसके लिए अलग से डिबेट बहुत जल्द आने वाली है। कुंटलों 15 कुंटल लकड़ी डेली जा रही है, 15 कुंटल लकड़ी राजभवन में जा रही है शमशान ग्रह की, भैंसा कुंड की,
ये अपने आप में इतना गंदा काम करते हैं, ये इतने गंदे लोग हैं, और ये दूसरों को हैसियत बताएंगे, ये दूसरों को आतंकवादी बताएंगे, ये दूसरों को अलगाववादी बताएंगे, और ये गरिमा की बात करेंगे। ये गरिमा थी जब गंगा में लाशें तैर रही थी, गरिमा थी जब रेत में लाशें तैर रही थी, गरिमा की बात कर रहे हैं। जैन साहब बोल कहा रहे हैं, जैन साहब तो सिर्फ चिल्ला रहे हैं। जैन साहब बोलिए। देखिए ये अनाप शनाप अनर्गल आरोप लगाना बहुत आसान है, उनको सिद्ध करना। हाँ, अनर्गल आरोप है। देखिए अखबार रंग गए हैं, अखबार रंग गए हैं। आप अनर्गल आरोप लगाते हो, आप तब आपको नहीं लगता जब अनर्गल बोल रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जी अनर्गल आरोप लगा करके पंजाब के भाई सत्ता में थोड़ा तो कर लीजिए। पल्ला बोल करना इनकी नीति है। अरे आपकी तो झूठ बोलने की नीति है भाई, झूठ बोलना बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी कफनचोर पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, जो पार्टी आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती है। समाजवादी पार्टी का एक भी एमएलए, अरे सबसे बड़ा गैंगस्टर तो उत्तर प्रदेश चला रहा है, उसने क्यों ले लिया अपने मुकदमे वापस? उससे भी तो पूछ लो, 31 मुकदमे थे उस गैंगस्टर पे जिसने वापस ले लिया मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठते ही। होल्डिंग लग चुकी है लखनऊ शहर में, होल्डिंग बड़ी बड़ी होल्डिंग लग चुकी है बीएसपी सरकार में, बड़ी बड़ी होल्डिंग लग चुकी है उस मठाधीश की। कितने आपराधिक मुकदमे हैं उसके ऊपर? वो 500 की 500 मुकदमे सरकार बनने के बाद, श्री अखिलेश यादव जी के शपथ ग्रहण होने के बाद में 24 घंटे नहीं बीते और सारे मुकदमे समाप्त कर लिए, वापस ले लिए। ये कौन सी नीति थी? चलिए नेताजी के मुकदमे वापस लिए तो लिए, ये बार बार मुकदमों की चर्चा करते हैं। आपराधिक मुकदमे और राजनीतिक मुकदमों का फर्क समझ लीजिए, डिबेट करने से राजनीति नहीं होती। आपराधिक मुकदमे और राजनीतिक मुकदमों का फर्क पता है आपको जैन साहब? नहीं पता तो जरा पता कर लीजिए कि योगी आदित्यनाथ पे राजनीतिक मुकदमे से क्या आपराधिक लेंगे। आपराधिक मुकदमे वापस लेने वाला सबसे बड़ा अपराधी गुंडा, ये आतंकवाद के मुकदमे वापस लेने वाला। ठीक है, ठीक है, प्लीज हो गया आप लोगों का, हो गया जैन साहब, हो गया। विजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी क्या कहना चाह रहे थे आप? कोई जवाब देना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका था। नहीं नहीं नितिन, जैसा है शिल्पी जी ने असल में एक पॉइंट उठाया था, और निश्चित तौर पे देखिए प्रधानमंत्री चूंकि एक पार्टी के लीडर के रूप में लगातार हर कैंपेन को लीड करते हैं, तो उनको ये सब चीजें सुननी पड़ेंगी। नहीं नहीं, आप शिल्पी जी, मैं आपकी बात से जो है वो कर रहा हूँ, चूंकि प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री के रूप में हर रीजनल लेवल के जितने भी कैंपेन हो रहे हैं उसमें भी उन्हें एंटर करना होता है। वो भारतीय जनता पार्टी के एक फेस के रूप में एंटर करते हैं और सारे कैंपेन को लीड करते हैं, तो विरोध झेलना ऑब्वियस है। और ये तरीके से गृह युद्ध छिड़ जाएगा। नहीं नहीं, गृह युद्ध की बात कैसे आ गई? जैसे आप भी कहां चले गए? अरे भाई, अरे ये ना युद्ध है ना गृह युद्ध है, बात सुनिए। अरे जैन साहब ये कोई गृह युद्ध नहीं है, ये राजनीतिक युद्ध है, और हर नेता को झेलना होता है चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। और अगर पब्लिक के बीच में जा रहा है तो पब्लिक अपनी बात कहेगी ही, विरोध भी करेगी, विरोध जताएगी भी, और एक अच्छे नेता का काम यह है कि उसकी विरोध अगर हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करे, उसको सुने, और सुनकर के उसको रिप्लाई करेगा। अगर वो सीट सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है तो अगर वो रिप्लाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? विरोधी नेता करेंगे क्या? अरे भाई ये सब कुछ नहीं होता है। हमें बंगाल में नड्डा जी पे हमला होता है। नहीं नहीं, अब देखिए आप इस पूरी डिबेट में जो मेरी पूरी डिबेट में जो बात हुई है वो डिबेट दूसरे मुद्दों पे होती रही है, जो असली मुद्दा था हम उससे डिफर कर चुका है। सतपाल मलिक जी, आपके ही गवर्नर ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन सा युद्ध छिड़ चुका है। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री के बीच में भी युद्ध छिड़ चुका है, जैसे योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। ये राजनीति युद्ध भारतीय जनता पार्टी के बीच में आपसी युद्ध चल रहा है, इसको आप संभालो, गृह युद्ध की बात आप मत करिए। और यही कार्यकलाप जो इन्होंने किया है, यही कार्यकलाप कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही जवाब दिया तब क्या होगा? नहीं नहीं, जैसा देखिए हर पार्टी के कार्यकर्ता एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और राजनीतिक बात उसको रखने का पूरा हक है। हम किसी भी पार्टी के व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि अपनी बात ना रखे, और सत्ता में बैठे हुए कोई भी पार्टी हो उसको उसको उसी को जवाब देना होता है, वो क्योंकि जवाब दे है वो।
चुनाव हो रहा हो या ना हो रहा हो वह एक अलग इधर विषय है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए दल को, सत्ता में बैठे हुए सीट पे बैठे हुए व्यक्ति की जवाबदेही है, ये संवैधानिक जवाबदेही है और विरोध होना लाजमी है, ये लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का सबको पूरा अधिकार है। सुरक्षा हटा ली जाए, सुरक्षा हटा लेना उसका उसका जो है विकल्प नहीं है। अभी राहुल गांधी जी की एसपीजी हटा ली जाए, अभी यही कांग्रेस मिला के रह जाएगी। चलिए ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पांच अन्य प्रमुख राज्यों में चुनाव है, लेकिन आज पंजाब में जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं कई सारे सवाल पंजाब सरकार के ऊपर, गृह मंत्रालय के ऊपर पंजाब के, और पंजाब पुलिसिंग के ऊपर बीजेपी कर रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि जब सब कुछ ठीक था, सारी रिपोर्ट ठीक दी गई थी, तो क्यों इस तरह का मामला सामने आया जहां पर प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया गया और आगे नहीं जाने दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोक दिया गया हो और वो अपनी जनसभा में ना जा पाए हों। फिलहाल ये जो लड़ाई है ये अब और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आज ये जो लड़ाई सामने सामने की टक्कर देखने को मिली है, उसके बाद पांच राज्यों के चुनाव का जो रंग है वो और भी गाढ़ा होएगा। और उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में भी इस मुद्दे को जोड़ा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है कि प्रधान सेवक के साथ जो घटना हुई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखना ये होगा कि इस पर राजनीति और कितने दिनों तक चलेगी, लेकिन हमें और आपको अपने मुद्दे पर ही वोट देना है। आज की डिबेट में इतना ही, मदी जनमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।